Welcome to the trap. Burn up. Burn out. Burn, burn out. Burn up again. प्रभु की इच्छा पूरी करो, आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? वाह, आप सबके चेहरे देखो कितने प्रकाशित है, खुश है, बहुत सारी अपेक्षा के साथ। आज यीशु पिता आप सब छोटे भविष्य वक्ताओं के लिए बहुत महान चीजें करने वाले हैं। तो आज का एपिसोड आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि यीशु पिता आपकी आत्माओं के साथ बहुत महान चीजें करने वाले हैं, क्योंकि आप अगले स्तर में बहुत ही महान भविष्य वक्ता बनने वाले हो। यीशु पिता का भविष्य वक्ता का अभिषेक आपके अंदर बढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप सब चकित हो ना, ये ना जानते हो कि आगे क्या होने वाला है? अब हम सब ये भाग देखने वाले हैं। क्या हम देखें? ए, तुम किसे बात कर रहे हो बताओ? तुम्हें पता है कुछ? मैं ना रात को प्रार्थना कर रहा था, यहेजकेल की पुस्तक पढ़ रहा था। यहेजकेल भविष्यवक्ता के साथ क्या हुआ था तुम्हें पता है? मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है, मैं बाहर जा रही हूँ खेलने, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं हम अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता हैं? हमारे साथ ऐसी चीजें होनी चाहिए। ऐसी चीजें तुम क्यों बोल रहे हो? और हमें क्या होगा और उन्हें क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताओ ना। तुम्हें पता है एक दिन ना प्रभु ने यहेजकेल भविष्यवक्ता के मुंह में एक सूची पत्र डाला था। सूची पत्र? ए, मैं समझ गई। सूची पत्र का मतलब वेज रोल की बात कर रहे हो ना? ए, छी, तुम हमेशा खाने के बारे में ही क्यों सोचती हो? अब सूची पत्र मतलब रोल ही ना, वेज रोल नहीं होगा तो चिकन रोल होगा ना, मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो तो? ए, यशुआ पिता, ये देखो अंतिम दिनों की ये भविष्यवक्ता हमेशा खाने के बारे में ही सोचती रहती है और बोलती रहती है। ओ माय गॉड, व्हाट आई विल डू। पहले अच्छी इंग्लिश क्लास में जाओ। ए, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ये यहेजकेल भविष्यवक्ता थे वो प्रभु के भविष्यवक्ता थे कि हाँ, नहीं? हाँ, 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 तो उनके मुंह में महान भविष्यवक्ता थे। ए, ये यहेजकेल भविष्यवक्ता बहुत ही महान भविष्यवक्ता थे, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ, हाँ, बताओ मुझे। तो उनके मुँह में प्रभु ने क्या डाला बताओ? कुछ रोल? हाँ हाँ, सूची पत्र। यहेजकेल भविष्यवक्ता को प्रभु ने सूची पत्र दिया। आगे बताओ ना तुम मुझे। हाँ, और उसे उन्होंने खा लिया। हाँ, यही तो मैंने भी कहा था ना, वेज रोल खाया था ना। ए, तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? ए, मैं बात कर रहा हूँ प्रभु के रहस्यों की, प्रभु के भविष्यवाणी के वचनों की। यहेजकेल भविष्यवक्ता ने वही खा लिया था सूची पत्र के रूप में। ए,
मैं समझ गई। उन दिनों में ना वो लोग सब कुछ सूची पत्र में लिखते थे ना। हाँ सही कहा सही कहा। ए तुम्हें कुछ पता है, मेरे दोस्त ने भी कहा था कि भविष्यवक्ता ने अपने मुंह में सूची पत्र रख लिया था। ए, ये क्या कह रहे हो? अरे रे कैसे कैसे ये सब हमारे साथ क्यों होगा? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? रुको मेरे फोन में एक वीडियो है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो तुम। मम्मी सुबह सुबह चली गई, कितनी देर हो गई है, बच्चे को घर पर छोड़ दिया अकेले, उसे भूख लगी होगी इसकी परवाह ही नहीं है, उनको बाजार से चीजें खरीदने में कितनी देर लगती है, उनके आने तक मैं क्या करूँगा? आराधना करता हूँ आराधना। उन्होंने मुझे सिखाया है कि जब भी मैं फ्री बैठा हूँ मुझे आराधना करनी चाहिए, है ना? वैसे भी मेरे पास ढंग का काम कहाँ है। ठीक है ठीक है, तो कौन सा गीत गाऊँ मैं? यीशु ही प्रभु है गाऊँ मैं। बहुत ही बढ़िया गाना है, मुझे बहुत पसंद है। यीशु ही प्रभु है, मृत्यु से जीवित हुए है प्रभु है, हर घुटना टेकेगा हर जीभ बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। मैं इसे हिंदी में क्यों गा रहा हूँ? मुझे अंग्रेजी में गाना चाहिए ना, अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। ठीक है। He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. बच्चे तुमने जो आराधना की है उसने प्रभु को प्रसन्न कर दिया है, तुम एक बहुत ही अच्छे आराधना करने वाले हो। ठीक है, पर कौन हो आप और हमारे घर पर क्यों आए हो? मेरी मम्मी बाजार गई हुई है और घर पर कोई नहीं है। मुझे पता है, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ बच्चे। मुझसे मिलने आप मुझसे मिलने आए हो? हाँ, तुम एक महान और बहुत ही अच्छे भविष्यवक्ता हो। क्या मैं? आप गलती से हमारे घर पर आ गए हो क्या? बताओ मुझे, क्या मैं एक भविष्यवक्ता हूँ? हाँ, जब तुम प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे थे तभी मैं यहाँ आ गया था। मनुष्यों के द्वारा की गई आराधना और स्तुति से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रभु ही हैं जो स्तुतियों के बीच में रहते हैं। मैं वो अच्छी तरह से जानता हूँ, यीशु पिता को हमारी आराधना बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तुमने भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त किया है ना? हाँ, जब मैं ना एंजल कुटीज के भविष्यवक्ता के शिविर में गया था, यीशु पिता ने मुझे अभिषेक प्रदान किया था। हाँ, मैंने तुम्हारा नाम पुस्तक में लिखा हुआ देखा है, तुम एक बहुत ही अच्छे भविष्यवक्ता हो। तुम और भविष्यवाणी के वचनों की भविष्यवाणी कर सको, इसके लिए मैं तुम्हें तैयार करने यहाँ आया हूँ। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मैं जो भी कह रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो। अभी अपने घर के ऊपर देखो। मेरे घर के ऊपर तो बहुत सारी बेले लटकी हुई है। नहीं बच्चे, तुम उसे सिर्फ अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते हो। तुम्हारे घर के ऊपर तुम्हारे लिए एक उपहार रखा हुआ है। मेरे घर के ऊपर? वहाँ पर तो एक सूची पत्र है, सूची पत्र है वहाँ पर, वो क्या है? उस सूची पत्र में वो भविष्यवाणी के वचन है जिनकी तुम्हें आने वाले दिनों में दुनिया में भविष्यवाणी करनी है। क्या मैं वो ले सकता हूँ? तुम उसे लेने के लायक नहीं हो, मैं उसे तुम्हारे मुंह में डालने यहाँ आया हूँ। ये एक अधिकार है जो तुम्हें साधारण भविष्यवक्ता के स्तर से उच्च स्तर पर ले जाएगा। मैं आज उसे तुम्हारे मुंह में डालने वाला हूँ। आज के बाद तुम महान चीजों की भविष्यवाणी करोगे, अंतिम दिनों के विनाश के बारे में और प्रभु के रहस्यों के बारे में भविष्यवाणी करोगे। क्या यीशु पिता मुझे ये नया अभिषेक प्रदान कर रहे हैं? हाँ, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं अपने इच्छाओं का
त्याग करते हैं और प्रभु के चरणों में इंतजार करते हैं, उन्हें ही ये सूची पत्र दिया जाता है। इसी सूची पत्र को देने मैं पृथ्वी पर आया हूँ। मैं यात्रा पर निकला हूँ तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चों के पास जाने के लिए। अब मैं तुम्हारे मुंह में वो सूची पत्र डालूंगा। पर मुझे एक संदेह है, अगर ये सूची पत्र मेरे अंदर जाता है तो मुझे उससे क्या फायदा होगा, बताइए मुझे। मेरे बच्चे, ये सूची पत्र सिर्फ तुम्हारे मुँह में ही स्थापित नहीं रहेगा, इसके वचन तुम्हारे आत्मा के द्वारा उठा लिए जाएंगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगी और वो तुम्हें प्रभु के रहस्यों को समझने की शक्ति देगी और उसे बोलने की भी। अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से वो सूची पत्र दे दीजिए। तुम अपनी आत्मा को तैयार करो ताकि वो सूची पत्र तुम्हारे मुंह में स्थापित हो सके। अपनी आत्मा को उत्सुक करके प्रभु की आराधना करो। तुम आराधना करते रहोगे तो मैं वो सूची पत्र तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। खुद को भूल कर प्रभु की आराधना करो बच्चे। जरूर जरूर, पवित्र हो, सबसे पवित्र हो, पवित्र हो, सबसे पवित्र हो, पवित्र हो, सबसे पवित्र हो, पवित्र हो, सबसे पवित्र हो। यीशु पिता, आप सबसे ज्यादा पवित्र हो। यीशु पिता, यीशु पिता, आप सबसे ऊंचे हो। यीशु पिता, आप आराधना के योग्य हो। यीशु पिता, यीशु पिता, हम आपको सारी महिमा देते हैं। यीशु पिता, वो जो महान है आपकी आराधना करते हैं, वो जो सबसे ऊंचा है आपकी स्तुति करते हैं। ये लो, प्राप्त करो इसे। प्रभु के रहस्य तुम्हारी आत्मा में समाहित हो। प्रभु के भविष्यवाणी के वचनों की तुम भविष्यवाणी करो। ये तो गायब हो गए। क्या वो सूची पत्र मेरे पेट में है अब? तो इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ? मुझे अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस हो रहा है। ठीक है ठीक है, यीशु पिता ने मुझे ये विशेष अभिषेक प्रदान किया है। धन्यवाद यीशु पिता, बहुत बहुत धन्यवाद यीशु पिता। अच्छा हुआ आज मम्मी को आने में देर हो गई है। यीशु पिता ने आज मुझे बहुत ही बड़ा उपहार दिया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद यीशु पिता। ये तो सच है, लेकिन ये कितना भयंकर लगता है। वैसे हमें ऐसा अनुभव कैसे प्राप्त हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, अब तो विश्वास हो गया। विश्वास हुआ मुझे। अच्छा, उसकी तरह मुझे भी एक सूची पत्र चाहिए, और उसकी तरह अनुभव प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए पता है? तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली होनी चाहिए और तुम्हारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक होनी चाहिए। मैं अच्छे से प्रार्थना कर रही हूँ। स्कूल जाने से पहले प्रार्थना करती हूँ, सोने से पहले भी प्रार्थना करती हूँ, और तीनों बार खाने से पहले भी प्रार्थना करती हूँ। वो काफी नहीं है क्या? मैं अभी प्रार्थना करती हूँ, कभी प्रार्थना करती हूँ, तभी प्रार्थना करती हूँ। सिर्फ साधारण तरीके से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, समझी तुम? अपने आप को भूल कर अन्य भाषा में पवित्र आत्मा के साथ एक होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो लड़का भी प्रार्थना कर रहा था ना? हाँ सही सही, जब तुम आत्मा में भर कर प्रार्थना करोगी, जिस तरह से तुम्हारा ये मुंह है ना, उसी तरह तुम्हारी आत्मा का भी एक मुंह होता है, और उसी मुंह में प्रभु इस प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, आज के बाद मैं अच्छे से प्रार्थना करूंगी। ना 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 ना, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगी, तभी मेरे आत्मिक मनुष्यों को बल प्रदान होगा ना। ठीक है, अब मैं जाऊँ क्या? हमें बहुत देर हो गई बगीचे में आए हुए। ठीक है, पर तुम कभी ये मत भूलना कि तुम अंतिम दिनों की भविष्यवक्ता हो और तुम्हें भविष्यवाणी करनी होगी। तो तुम जाओ और अच्छे से प्रार्थना करो, आराधना करो, और प्रभु की सूची पत्र और प्रभु के भविष्यवाणी के वचनों को प्राप्त करो। ठीक है ना, आज पहली बार तुमने मुझे कुछ अच्छी चीज बताई है, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। ठीक है। अरे रे रे रे, इससे पहले कि मैं इसे समझा सकूं, अब फिर किससे बात कर रहे हो तुम? ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम अकेले में बात करना जारी रखो, बाय। ठीक है, तो आप
लोग यहाँ अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हो और भविष्य वक्ताओं के विषय में ज्यादा सीखने आए हो, तो क्या हम एक वचन पढ़ लें अब? यहेजकेल तीसरा अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे हम। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इसराइल के घराने से बातें कर। ठीक है, यहाँ पर यहेजकेल भविष्यवक्ता को प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम उसे खा लो, ऐसा कह रहे हैं। क्या है वो? जरा अगला वचन पढ़ो। सो मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। यहाँ पर एक सूची पत्र है और क्या हो रहा है? यहेजकेल भविष्यवक्ता उसे खाने वाले हैं। अब दो चीजें यहाँ हो रही हैं। पहली है कि उन्हें सूची पत्र दिख रहा है, दूसरी है उन्हें इसे खा लेना है। खाना है मतलब क्या करना है? सच में खाना है। किस तरह से खाओगे आप? अपने मुंह खोलकर। मुंह खोलना है, लेकर खा लेना है। तो वो उसे लेते हैं, लेकर क्या कर रहे हैं? खाते हैं, खा लेते हैं ना। अब मैं उससे आगे तीसरा वचन पढूं। हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। अब जो सूची पत्र उन्होंने खाया वो कहाँ गया? पेट में। अंतड़ियों में गया। अंतड़ियों में जाने के बाद क्या होगा? पेट से मिल जाएगा। इस सूची पत्र से पेट भर ले। जब हम खाना खाते तब यही होता है ना, खाना अंदर जाता है और पेट में मिल जाता है ना। मिल जाता है। तो मैंने उसे खा लिया, तो यहेजकेल उसे खा लेते हैं। अब वो उनके मुंह के अंदर मधु की तरह मधु तुल्य लगा, मीठा लगा। तो सूची पत्र का स्वाद कैसा लगा? मीठा लगा, मीठा लगा। अब ध्यान देना, अब प्रभु यहेजकेल भविष्यवक्ता को एक सूची पत्र देते हैं और यहेजकेल भविष्यवक्ता क्या करते हैं? खा लेते हैं उसे। अब वो निगलते हैं कि नहीं? वो निगलते हैं और वो चला जाता है पेट में। पेट में जाता है और स्वाद कैसा होता है बताओ? टेस्ट कैसा होता है जिम? वो मीठा था। उसका स्वाद उनके मुंह में मीठा था। मीठा था, ठीक है। अब प्रभु अपने शब्दों को देखो, ये बात बता देना, इसकी भविष्यवाणी करनी है, ऐसा यहेजकेल भविष्यवक्ता से कह सकते थे? कह सकते थे। लेकिन उनको एक सूची पत्र दिया गया, उसे खिलाया गया, उसका स्वाद पूछा गया, ऐसा क्यों किया गया? आपने सोचा कभी? आंटी वो जो सूची पत्र है और वो दर्शन है आंटी, किसके प्रतीक है? ठीक है, अब जो सूची पत्र है ना, उसमें प्रभु का शब्द होता है, हमें आगे क्या करना है उसके विषय में दिया हुआ होता है। तो अगर उसे हमें खाने के लिए दिया गया है, उसका अर्थ उसमें कुछ बहुत ही मुख्य विषय है, तो हमें उसे साधारण तरह से नहीं लेना है। तुमने प्रभु की आवाज सुनी और भविष्यवाणी की, ये बहुत आसान है। प्रभु ने कुछ कहा और तुमने भविष्यवाणी की। पर जब एक देश है जिसने बहुत पाप किया है और अधर्म से भरा हुआ है, तुम्हें उसे भविष्यवाणी करनी है, तो ये बहुत ही चुनौती भरा विषय है ना। तो जब प्रभु का सूची पत्र तुम्हारे अंदर आता है, तो जो शब्द है ना, वो तुम्हारे शरीर और लहू के साथ एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब जब आप वो स्थिति में आ जाते हो कि आप लोगों को वो शब्द कह सको, लोगों से कह सको, प्रभु ने जिस उत्साह से वो सूची पत्र लिखा है वो आप में आ जाएगा। आप साहसी हो जाओगे, आप अपने शब्द बिल्कुल नहीं बदलोगे, आपकी आंखें शब्दों को देख के डरेंगी नहीं, आप शब्द नहीं बदलोगे, प्रभु ने जो भी आपसे कहा है वो आप कहोगे। तो इसी कारण से प्रभु सूची पत्र लेकर हमारे साथ क्या करते हैं? हमारे अंदर डालते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण अनुभव है ना, आगे के वचनों को पढ़कर आपको पता चलेगा। जिससे बात करने वाले थे वो लोग, वो कैसे लोग थे? वो बहुत ही मुंह जोर लोग थे, कठोर दिल रखने वाले ऐसे लोग थे। अब वो लोग ऐसे थे, उनको पता नहीं था, तो इस तरह के लोगों के सामने उनको जाना था, इस तरह के लोगों के सामने प्रभु की चुनौती भरी भविष्यवाणी रखनी थी। तो उनकी आत्मा को क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। आत्मा को क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि भविष्यवाणी करना बहुत ही आसान है, तो गलत है। प्रभु हर एक भविष्यवक्ता को अलग अलग रास्ते पे क्या करेंगे? अगुवाई करेंगे। यहेजकेल भविष्यवक्ता को भी प्रभु ने हर समय अलग अलग तरह से प्रभु ने क्या किया होगा? मार्गदर्शित किया होगा। पहले उन्होंने दर्शन देखा होगा, उसके बारे में बताया होगा, और कभी सिर्फ सुनकर ही भविष्यवाणी करने को कहा होगा। पर यहाँ पर क्या है, एक भविष्यवक्ता को सूची पत्र को खाना होगा और उसके साथ वो क्या होगा? पहले तैयार होगा, खाने से वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनको सूची पत्र के शब्दों को पहले खाना होगा, उसके बाद उनको क्या करना होगा? उन पर ध्यान करके शब्दों को जानना होगा
क्योंकि इस तरह के मुश्किल लोगों को सामना करने के लिए पहले उनको साहसी बनना पड़ेगा ना। लोगों के सामने जाके वो डर के वापस लौट आएंगे तो प्रभु ने जिस लक्ष्य से भेजा है वो पूरा होगा क्या? नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। क्या प्रभु की इच्छा पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसी कारण से प्रभु अपने भविष्यवक्ता को क्या करते हैं, पहले तैयार करते हैं। अब यहाँ पर भविष्यवक्ता अपने मुंह से क्या करते हैं, सूची पत्र खा लेते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। किस तरह का स्वाद है उसका, लुक? मीठा है। मीठा है, ऐसा ये कह रहा है। अब जो भविष्यवक्ता का मुंह होता है, मुंह है ना, और आंखें हैं, कान है और नाक है ना, इसी तरह से हमारी आत्मा यानी अंदर के मनुष्य के पास आंखें, नाक, मुंह और कान होंगे। अब ये आत्मिक मनुष्य का जो मुंह है वो खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? हाँ, एक बार वो खाएगा तो वो उसका स्वाद लेगा। वो क्या करेगा? स्वाद लेगा, उसका स्वाद लेगा। कहते हैं कि वो मीठा है ना। तो हमारे आत्मिक मनुष्य के मुंह में भी स्वाद है, ठीक है ना। इसी तरह से एक और भविष्यवक्ता के साथ ऐसा हुआ था। कौन था वो? योहाना भविष्यवक्ता। योहाना भविष्यवक्ता ने प्रकाशित वाक्य में बताया है ना, उन्होंने सूची पत्र के साथ क्या किया था, खा लिया था। और उसका स्वाद कैसा था? मुंह में मीठा था और पेट में कड़वा था। आत्मिक मनुष्य के मुंह में खाने की शक्ति होती है क्या? होती है। और स्वाद को महसूस करने की शक्ति होती है क्या? हाँ, होती है। अब अपने आप की उस स्थिति में कल्पना करो, आपने भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त किया है और भविष्यवक्ताओं में ढाले जा रहे हो। इस तरह के अनुभव आपने प्राप्त किए हैं क्या? नहीं दीदी। नहीं नहीं, लूक ने भी प्राप्त नहीं किए। अब इसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे, आपको ऐसे गहरे गहरे अनुभवों के अंदर जाना होगा। अब एक भविष्यवक्ता के लिए प्रभु की कही हुई बात की भविष्यवाणी करना पहला स्तर है, मूलभूत स्तर। एक संपूर्ण भविष्यवक्ता में ढाले जाने के लिए आपको ऐसे अनुभव प्राप्त करने चाहिए। इस तरह के अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप दिव्य प्रेरणा से प्राप्त करके भविष्यवाणी करोगे। साधारण अभिषेक प्राप्त किए हुए भविष्यवक्ता नहीं हो। भविष्यवक्ता को राजाओं के विषय में, भाषाओं के विषय में, देशों के विषय में क्या करना है? भविष्यवाणी करनी है। जीवन भविष्यवक्ता के जीवन में बदल जाना चाहिए, तभी आपको इस तरह के अनुभव प्राप्त होंगे। ठीक है, आपके आत्मिक मुंह को ऐसे सूची पत्र खाने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए और उसकी भविष्यवाणी करने के लिए आपको ना आत्मा में क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। आत्मा में क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए, चाहिए। बढ़ना चाहिए। ठीक है, आत्मा में बढ़ने के लिए मुख्य चीज क्या है बताओ? हमारा मुंह। मुंह तो है, सच है। अन्य भाषाओं में क्या करना है? प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करोगे, प्रभु के साथ आप क्या हो जाओगे? जुड़ जाओगे। पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह ढक देगी, आपका टेक ओवर कर लेगी। अब आत्मिक क्षेत्र की चीजों में क्या होगा? आप बड़ी गहराई से चलोगे और महसूस करोगे और प्रभु के शब्दों की भविष्यवाणी करोगे। अब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना करते समय अपने आप को समर्पित करके, आत्मा में भर के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, आप तैयार हो? हाँ। ठीक है दोस्तों, आप सब प्रार्थना के लिए तैयार हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यहेशकेल भविष्यवक्ता की तरह आपको सूची पत्र को खाना है और प्रभु के शब्दों की भविष्यवाणी करनी है। बहुत ही उत्साही होकर आपको प्रार्थना करनी है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है। यदि आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना नहीं आता है तो आप प्रभु के नाम की स्तुति कर सकते हो। आपकी भागीदारी बहुत ही जरूरी है। ठीक है मम्मी पापा, आप अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अन्य भाषाओं में आओ, हम सब प्रार्थना करें। क्या हम प्रार्थना करें? अपना मुंह खोल के जोर से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। हर छोटा बच्चा उत्साह से प्रार्थना करे, जानते हुए कि तुम भविष्यवक्ता हो। अंतिम दिनों के यूएल 2:28 में बताया गया, अंतिम दिनों का अभिषेक आपके पास है। भविष्यवक्ता की सेना हो, आपको जरूर खड़ा होना है, आपको जरूर भविष्यवाणी करनी है। तो हमारे साथ अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। उराबा शेख है रे बाबा हो रे बारा हरा। हर छोटा बच्चा अपना मुँह खोल कर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। अपने आप को अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए सुनना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके साथ एक होने वाली है। प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले भविष्यवक्ताओं की तरह खड़े होने वाले हो। पूरी का बारा शाला बारा हरा बारा शिरे बारा खरा। पूरी बारा हरा बारा खीरी बारा शरवा। ओरे बारा खरा बारा शिरे बारा बाबा बाबा। प्रभु हर एक घर के लिए, प्रभु स्वर्ग लोक का हर एक दरवाजा खोल दे। ओ हमारे प्रभु, अपने भविष्यवक्ताओं को तैयार करने के लिए उनके मुँह के अंदर सूची पत्र को रखिए प्रभु। हाँ यीशु पिता, प्रभु उन सब के मुँह में सूची पत्र रखिए प्रभु। भविष्यवक्ता के शब्द
भक्तों को उन्हें खाने दीजिए प्रभु। उराबा शेख कह रहे बारा शीरी बारा, उत्साही होके पूछो। छोटे बच्चे अच्छे से अपना मुंह खोले और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। हर कोई अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। लक्ष्य मत खोइए पर शामिल होके प्रार्थना कीजिए। उराबा शेख कह रहे मी हाजा बारा हारा बारा, पवित्र आत्मा आपको मजबूत करेगी। निराश न होइए, अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए मुंह खोल के। नीखा मारा शारा बारा खेरे बेरे, उत्साही होकर यीशु पिता से मांगिए। उराबा शेख खेरे हारा बारा पूरी बारा शीरी खारा बारा बारा बारा। प्रभु की इच्छा क्या है और सूची पत्र में क्या है ये जानने के लिए उत्सुक हो तो हमारे साथ उत्साहित होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। अपना मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। यीशु पिता आपके मुंह में सूची पत्र रखने वाले हैं। आप उसका स्वाद लेके खाने वाले हो। आप भविष्यवाणी करने वाले हो। उराबा शेख खेरे हारा बारा शीरी बारा पूरी हारा खारा बारे शीरी बारा खारा बा पूरी बा हारा बारा शीरी बारा खारा बारा। अपने आप को समर्पित करके पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाओ। उराबा शेख खेरे बारा हिरी बारा शीरी बारा खारा बारा बाबा। अपने अंदर के मनुष्य को मजबूत करो। पवित्र आत्मा और आप एक हो जाओ उसके लिए। समर्पित करके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। रुको मत अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। उराबा शेख खेरे मी हारा बारा शिखीरा बारा पूरी हारा खारा शीरी बारा। आप अपने आप को भूल रहे हो और प्रभु की उपस्थिति महसूस कर रहे हो। हर एक बच्चा प्रभु की उपस्थिति महसूस कर रहा है। अपने आप को समर्पित करो, पूरी तरह से समर्पित करो प्रभु की उपस्थिति बढ़ाने के लिए। प्रभु की उपस्थिति आपके और आपके घर में बढ़ रही है। समर्पित कर दो। उराबा शिखीरी बाबा बाबा पूरी हारा खारा शीरी बारा पूरे बा हारा शीरी बारा खारा बारा। आप बिल्कुल चुप नहीं रहोगे। आप भविष्यवाणी जरूर करोगे। आप भविष्यवाणी करने के लिए पैदा हुए हो। अच्छे से प्रभु की तरफ देखो, उनकी उपस्थिति में अच्छे से ध्यान करो और वो क्या करने वाले हैं उसके ऊपर लक्ष्य साधो। उराबा शेख कहने भी हारा हारा बा शिखरा बारा पूरी बारा शीरी बारा। ओ पवित्र आत्मा, हम हर एक बच्चे को समर्पित करते हैं और जो स्वर्ग लोक में है वैसे अनेक सूची पत्र प्रभु प्रभु पृथ्वी पर आने दीजिए। प्रभु प्रभु आप हर एक छोटे बच्चे के मुंह में सूची पत्र रख रहे हैं, उसके लिए आपकी स्तुति हो प्रभु पिता। हर एक छोटा बच्चा उसे लालसा और प्यास के साथ प्राप्त करे प्रभु, आपके शब्दों का वो स्वाद ले सके प्रभु और खा ले प्रभु और आपके उत्साह को दर्शाए प्रभु, सब देशों को वो भविष्यवाणी कर सके प्रभु। प्रभु बिना डरे आपके शब्दों को कह सके, ऐसी साहसी भविष्यवक्ता की सेना को खड़ा करने के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। ऐसी उत्साहित सेना जिसे देखकर आप खुश होते हो प्रभु, उसके लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। प्रभु का हर एक बच्चा खा सके, स्वाद ले सके और खड़ा हो सके, ये हर एक बच्चा प्राप्त करने वाला है, उसके लिए आपकी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। वो अपने आप को बिल्कुल भी ना रोके प्रभु, वो प्रभु के शब्दों की भविष्यवाणी कर सके, प्रभु की बातों को उत्साहित होके सुना सके प्रभु। इसके लिए उन्हें तैयार करने के लिए धन्यवाद यीशु पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने अपने भविष्यवक्ता की सेना को खड़ा किया है प्रभु। पुनर्जीवित करने के लिए धन्यवाद प्रभु। उनको अपना बल प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमेशा इनकी अगुवाई करें और इनको आशीर्वाद दीजिए प्रभु। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों आप सबने प्रार्थना की है ना, और बहुत से लोगों ने प्रार्थना की अन्य भाषाओं में ये चाहते हुए कि यीशु पिता आपको सूची पत्र खाने का अनुभव प्रदान करें, और आतुर थे ये जानने के लिए कि आपका आत्मिक मुंह काम भी कर रहा है कि नहीं। यीशु पिता ने ये कार्य आपके लिए जरूर कर दिया होगा। उन्होंने आपको भविष्यवक्ता के शब्द दिए होंगे, उजागर किया होगा। आप सबने जिसने ये अनुभव प्राप्त किए हैं आपको पता उनके साथ क्या करना होगा। अरुण भोगल की ईमेल आईडी पर जो भी अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो भी उजागर हुआ है, उनके विषय में लिखना होगा। आप चिट्ठी भी लिख सकते हो लेकिन अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। ठीक है भविष्यवक्ताओं, यीशु पिता आपको बहुत सारी चीजें उजागर करे, बहुत सारे दर्शन दे। आप भविष्यवाणी करते रहना और अपने घर पर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहना मत भूलना। एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे प्रार्थना ही करते रहना। आप आत्मा में बढ़ते रहना। यीशु पिता इससे बहुत खुश हो जाने वाले हैं क्योंकि यीशु पिता शीघ्र ही आने वाले हैं और आप उनके आने के लिए मार्ग तैयार करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। बाय बाय। Email address arumbugal@angeltv.org
angeltv.org।